हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आमिर खान जो है वो कपिल शर्मा शो में आने वाले हैं 6 तारीख को, बट ऐसा अब नहीं हो रहा है। उन्होंने पहला शो जो दिखाया था वो रणवीर कपूर एंड फैमिली का दिखाया था, और जो दूसरा शो है वो रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर आ रहे हैं उसमें। तो जो आमिर खान का एपिसोड है वो इस वीक नहीं आने वाला है, जो कल सैटरडे आने वाला है 6 तारीख को, उस दिन आमिर खान का एपिसोड नहीं आएगा कपिल शर्मा शो में। उन्होंने उस एपिसोड को डिले कर दिया है क्योंकि वो एक स्पेशल एपिसोड भी है, तो उसे टाइम रहते दिखाएंगे। अब देखते हैं कि वो 1 हफ्ते बाद दिखाएं, 10 दिन बाद दिखाएं, या 1 महीने बाद दिखाएं, या लास्ट एपिसोड भी हो सकता है। तो जैसे ही मेरे को कोई डिटेल आएगी या अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। दूसरी तरफ बात करें रणबीर कपूर जो कपिल शर्मा शो में आए थे, तो टीआरपी तो बहुत ज्यादा अच्छी मिली है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो कपिल शर्मा शो है वो कलर्स टीवी या सोनी पे ही अच्छा लगता था, जिस पे वो टीवी पे आता था उस पे ही अच्छा लगता था, क्योंकि पब्लिक जो है वो ज्यादा कनेक्ट होती थी। क्योंकि भाई टीवी टीवी होती है और ओटीटी ओटीटी होता है, टीवी पे हर कोई इंसान देखता है, हर कोई टीवी से कनेक्ट रहता है, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक जो है टीवी चलाता है। नेटफ्लिक्स से वो कोई कोई चलाता है, जैसे यूथ जो होते हैं वो ही ज्यादा चलाते हैं, बाकी जो बच्चे होते हैं बुढ़े होते हैं वो नेटफ्लिक्स ज्यादा नहीं चलाते। और कुछ लोग तो इसलिए भी नहीं देखते क्योंकि सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, और बहुत सारे लोग इसी वजह से मिस कर जाते हैं। कपिल शर्मा शो को भारी भरकम पैसा मिला होगा इसलिए उन्होंने नेटफ्लिक्स पर शो डाल दिया, बट अगर वो टीवी पर रहते तो उनकी जो रीच थी, जो उनका लेवल था, वो वहीं रहता, बट नेटफ्लिक्स की वजह से जो है डाउनफॉल आएगा। कपिल शर्मा शो का जो नाम है वो बदल गया था, ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो हो गया है, बट अगर वो टीवी पर रहते तो रीच अच्छी मिलती, क्योंकि बाकी एक्टर जो है सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, वो टीवी पे ही आए तो उन्हें रीच बहुत अच्छी मिली है, बट आमिर खान जो है वो नेटफ्लिक्स पे आ रहे हैं तो वो रीच मुझे लगता है नहीं मिल पाएगी। टीआरपी तोड़ सकती है, रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, नेटफ्लिक्स के रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, टीवी वाली बात अलग ही होती है। क्योंकि जैसे कि आमिर खान सत्यम जयते लाए थे, उन्होंने कहा था कि मैं फिल्म भी बना सकता था, बट मैं टीवी पे इसलिए आया क्योंकि टीवी पे ज्यादा ऑडियंस रहती है। जैसे कि आपको पता है कि मेरे मम्मी पापा या आपके मम्मी पापा नहीं देखते होंगे नेटफ्लिक्स वगैरह, बट वो टीवी जरूर देखते होंगे, तो कपिल शर्मा का शो अगर टीवी पे आता तो ज्यादा बेटर रहता, ज्यादा रीच रहती। बट जो भी है, जो भी अपडेट आएगी आमिर खान का शो कब आने वाला है वो मैं आपको अपने चैनल पर बता दूंगा। बाकी ऐसे वीडियोस देखने के लिए मैं चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तक के लिए टाटा।